सिटी में एक सीरियल किलर लेडीज के मर्डर कर रहा था। जब हमारी डायरेक्टर को पता चला कि सब एक लड़की से कनेक्टेड है, तब स्टोरी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक बड़ा सा रैकेट सामने आता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मर्सी, ये 2000 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी अलग अलग टर्न्स लेती रहती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर कैथी को देख सकते हैं। आज एक मर्डर हुआ था, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए वो पहुंच गए। पहले तो इस मर्डर सीन पर कोई अलग ऑफिसर आए थे, पर एक केस उनसे ले लेती है। इस लेडी का मर्डर बहुत ही बहरहमी से किया गया था। मर्डर करने से पहले उसे मेकअप भी लगाया गया था। उसके बॉडी को उसके फ्रेंड विकी ने डिस्कवर किया था। फिर कैथी जाकर विकी से बात करती है। उसे पूछती है, लास्ट टाइम तुम उससे कब मिली थी? विकी ने कहा, हम वीक में एक बार काम के बाद एक बार में जाते हैं। वहां से वो निकली और उसके बाद मैंने कभी उसे देखा ही नहीं। जब वो काम पर नहीं आई, उसका कोई भी पता नहीं था। ये सब देखकर विकी जरा वरीड हो गई थी, और जब वो घर पर आई तो डायरेक्टली उसका मर्डर हो चुका था। कैथी उससे पूछती है, क्या तुम्हें विकी की रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता है? क्या ऐसा कोई होगा जो उसे मार सकता है? विकी ने कहा कि ऐसा तो कोई भी नहीं था। कैथी जब अपने कोवर्कर के साथ बात करती है, तब हमें पता चलता है कि जिस लेडी का मर्डर हुआ उसके बेटे है, उसका हस्बैंड है, पर अचानक से वो घर से निकल गई थी। उसके बाद डायरेक्टली उसका मर्डर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक थेरेपिस्ट उसके पेशेंट के साथ दिखाया जाता है। इसका नाम था डोमिनिक। डोमिनिक के साथ जो पेशेंट थी उसका नाम था मेलो। मेलो अपनी बचपन की कहानी उसे सुना रही थी। वो कहती है, जब मैं एक दिन मेरी आंट को ढूंढने के लिए गई तो किसी आदमी के साथ थी, उसके साथ वो इंटीमेट हो रही थी। ये स्टोरी सुनाने के बाद हमें पता चलता है कि डोमिनिक और मेलो, इन दोनों में इंटीमेट रिलेशनशिप है। ये पेशेंट के साथ होना गलत बात है, पर फिर भी डोमिनिक को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेलो शक करती है क्या डोमिनिक का उसके हर पेशेंट के साथ इसी तरीके से अफेयर है, पर डोमिनिक कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे सिवा मेरे लाइफ में और कोई भी नहीं है। मेलो ने पूछा कि अगर मैं अचानक से गायब होगी तो तुम क्या करोगे? डोमिनिक कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। अब नेक्स्ट सीन में कैथी मर्डर सीन को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसने उस लेडी के बेडरूम में एक छुपाई हुई सूटकेस देखी, जिसमें बहुत ही अलग अलग चीज़ें थी, जैसे कि हैंडकप्स, कटर्स वगैरह, इस तरीके की चीज़ें। रात में कैथी एक बार में आई, वह उसे एक मैकेनिक मिला। कैथी पुलिस है, इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, उसे डरता नहीं था। इस वजह से कैथी रात में उसके साथ इंटीमेट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम थेरेपिस्ट को, जिसका नाम है डोमिनिक, इसे एक अलग पेशेंट के साथ देखते हैं। इसका नाम था मैरी। मैरी उसे अपने बचपन की स्टोरी सुना रही थी कि मेरी मदर बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसके फादर के गुजर जाने के बाद उसने और एक आदमी से शादी की थी। मैरी और उसके स्टेप फादर की रिलेशनशिप ये बहुत ही घटिया अजीब तरीके से थी। मैरी डोमिनिक से कहती है, तुम ये जो सब मेरी स्टोरी सुनते हो, क्या ये सब सुनने में तुम्हें मज़ा आता है? थेरेपिस्ट ने कहा कि मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए करता हूँ। और भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैथी विकी के पास आए, तो वहाँ से उसे पता चला कि विकी की फ्रेंड थोड़े दिन विकी के साथ रही हुई थी। तो कैथी पूछती है, क्या उस टाइम में उस लेडी की कोई भी रिलेशनशिप थी? विकी ने उसे एक आदमी के बारे में बताया जिसका नाम था गिल रेनॉल्ड्स, और उसकी भी शादी हो गई थी। इसके बाद और भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए कैथी रेनॉल्ड के पास पहुंच जाती है। रेनॉल्ड को अपने अफेयर की वजह से डिवोर्स हो गया था। कैथी उससे पूछती है, तुम्हारे अफेयर की वजह से डिवोर्स हुआ, क्या इस वजह से तुम गुस्सा थे? रेनॉल्ड कहता है कि जिस रात मर्डर हुआ तब मैं मेरे फ्रेंड के साथ था, इस मर्डर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कैथी को विक्टिम के बेडरूम में फोटोज भी मिले थे जिसमें बॉन्डेज किया हुआ था। इसके बारे में वो रेनॉल्ड से पूछती है, पर ये आदमी रेनॉल्ड नहीं था। अब इस तरीके की अलग अलग चीजें करने वाली सिटी में एक जगह थी जहां पर कैथी पहुंच जाती है। वहां की सिक्योरिटी फुटेज से उसे पता चला कि विकी उसके फ्रेंड के साथ यहाँ पर आई हुई थी। इसका मतलब है विकी उसके साथ रिलेशनशिप में थी। कैथी इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, विकी को कन्फ्रंट करती है, कहती है, तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना चाहिए था। कैथी ने पूछा, क्या और भी ऐसी कोई थी जिसके साथ तुम्हारी रिलेशनशिप थी? विकी ने और एक नाम लिया, और उस लेडी का भी मर्डर हो चुका था। कैथी को इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहती है, तुम दो मर्डर से लिंक्ड हो, अब विकी को भी अपने DNA सैंपल्स वगैरह देने पड़ेंगे। कैथी ने पूछा, जिन दोनों का मर्डर हुआ है क्या वो एक दूसरे को जानती थी? विकी ने कहा कि हाँ। वो कहती है, लेडीज का एक सीक्रेट ग्रुप है जिनको एक अलग टाइप की इंटीमेट रिलेशनशिप अच्छी लगती है, ये सब इस ग्रुप में है। इनको मिलवाने का काम, इनके साथ पैसों के लिए इंटीमेट होने का काम विकी करती है। कैथी को ये बात बहुत ही घटिया लगी। विकी ने उसे कहा कि तुम्हें मेरे हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं एक ऐसे घर से आती हूँ जहाँ पर मुझे हमेशा सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता था। कैथी को ये सुनकर बुरा लगता है। इवनिंग में विकी एक ज्वेलरी शॉप में थी जहाँ पर वो मेलो से मिलती है। उसे मेलो का नेकलेस बहुत ही अच्छा लगा, तो उसके साथ वो रात में इंटीमेट हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में डोमिनिक के पास हम मैरी को फिर से देखते हैं। वो अपने बचपन के स्टेप फादर की स्टोरी सुना रही थी कि किस तरीके से स्विमिंग पूल में उसका फायदा उठा रहे थे और उसके मदर ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विकी को बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा था, तो कैथी को कॉल करती है, कहती है आज रात फिर से सब लेडीज़ की पार्टी होने वाली है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। इस पार्टी में गए जहाँ पर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों की वाइफ्स वगैरह थी। विकी कैथी से कहती है क्या कभी कभी तुम आदमियों से तंग नहीं आ जाती है, दिन भर काम करती हो और फिर भी तुम्हें आदमियों को सुनना पड़ता है। कैथी स्ट्रेट थी तो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये लिविंग रूम में जाकर ड्रग्स वगैरह कर रहे थे, पर कैथी को सही नहीं लगता, वहाँ से वो निकल आती है। जब वो केस के बारे में अपने कोवर्कर के साथ डिस्कस कर रही थी तो उसे लगता है कि विकी पर उन्हें नज़र रखनी चाहिए, तो यही चीज़ वो नेक्स्ट सीन में कर रहे थे तभी विकी को एक अनजान आदमी का कॉल आया। वो आदमी उसे कह रहा था कि मुझे तुमसे मिलना है। विकी उसे मना कर रही थी पर उस आदमी ने कहा मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम नहीं आए तो मैं सबको बता दूंगा। अभी चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस थी। जहाँ पर उस आदमी ने मिलने के लिए बुलाया हुआ था, कैथी भी उस जगह पर पहुँच जाती है। एग्जैक्टली सामने की बिल्डिंग की खिड़की से वो विकी पर नज़र रख रही थी। विकी एक अजीब से कॉस्ट्यूम में आके और इसी कॉस्ट्यूम में खिड़की में आकर डांस करने लगती है। डांस करते करते अचानक से उसे किसी ने शूट कर दिया। कैथी जब देखती है तो गिल रेनॉल्ड्स था। वो जल्दी से भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर गिल यहाँ से भाग चुका था। बाद में वो विकी के पास आकर देखती है तो विकी अब भी जिंदा थी। रेनॉल्ड्स और विकी अजीब तरीके का एक गेम खेल रहे थे। इस सारी चीज़ों को लेकर कैथी अपने कोवर्कर के साथ डिस्कस करती है। वो कहती है कि गिल रेनॉल्ड्स पहले आर्मी में था, वो एक शार्प शूटर था, उसने 100 से ज़्यादा किल्स की थी। शायद वो अपने आर्मी के डेज को मिस करता है, इसी वजह से विकी के साथ एक गेम खेल रहा था। रात में कैथी ने विकी को बार में बुलाया। आज जो भी हुआ इसके बारे में जब वो विकी से पूछती है तो विकी ने कहा कि ये सब नॉर्मल है, रेनॉल्ड कभी भी मुझे हर्ट नहीं करेगा। बार में कैथी को एक लड़की दिखी जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे ज़ोर से स्लैप करती है। विकी ने उसे पूछा कि वो थी कौन। विकी कहती है मेरे एक्स हस्बैंड ने इसके साथ अफेयर किया था, इसी वजह से उनका डिवोर्स हुआ था। रात में जब कैथी और विकी घर पर आए तो विकी कैथी से पूछती है क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना कैसा होगा, इसके बारे में क्यूरियस नहीं हो। उसे किस करने लग गए। उसके साथ इंटीमेट होने वाली थी पर कैथी ने उसे रोक लिया। इस बात से विकी को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम डोमिनिक को मेलो के साथ देखते हैं। मेलो ने डोमिनिक से कहा कि पिछली बार मैंने मेरे बचपन की स्टोरी तुम्हें झूठ कही थी, एक्चुअल में मैं जब मेरी एंड को देखने के लिए गई तो किसी और लड़की के साथ थी, रिसेंटली मैंने इस तरीके की रिलेशनशिप को खुद एक्सपीरियंस किया है। डोमिनिक और मेलो की रिलेशनशिप थी तो इस वजह से उसे बहुत ही अजीब लगता है। रात में कैथी को कॉल आया और एक मर्डर हो चुका था। इस बार जो मर्डर हुआ था ये मेलो का है। कैथी को जिस तरीके से मर्डर के बाद घर में बहुत ही अजीब तरीके की चीज़ें मिली थी उन्हीं चीज़ों को कैथी ढूंढने लग जाती है। उसे एक सूटकेस में मेलो का नेकलेस मिला। एक बार विकी ने कैथी से बात करते करते कहा था कि मुझे एक लड़की का नेकलेस बहुत पसंद आया और इसी वजह से मैं उसके साथ इंटीमेट हुई थी। उस नेकलेस का डिस्क्रिप्शन मेलो के नेकलेस से मैच करता है तो कैथी को पूरा शक विकी पर आ चुका था। शक आने के बावजूद सब विक्टिम्स को कनेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि उनका थेरेपिस्ट जिनका मर्डर हुआ, इन तीनों विक्टिम्स का एक ही थेरेपिस्ट था और वो था डोमिनिक। नेक्स्ट सीन में फिर कैथी डोमिनिक से मिलने के लिए आ जाती है। डोमिनिक एक्चुअल में मैरी के साथ सेशन में था पर ये उसे बंद करना पड़ता है और मैरी यहाँ से चली गई। कैथी डोमिनिक से पूछती है क्या तुम्हारी पेशेंट बायसेक्सुअल थी, तो डोमिनिक ने हाँ कहा। जो भी मर्डर हो रहे हैं इसके पीछे एक सीरियल किलर है, इसके साइकोलॉजी के बारे में डोमिनिक से पूछती है। कैथी को लग रहा था कि शायद जो मर्डरर है उसे भी बचपन में अब्यूज़ किया गया होगा। जनरली इस तरीके की सीरियल किलर आदमी होते हैं। डोमिनिक ने कहा कि ऐसा नहीं है, बचपन में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को भी अब्यूज़ किया जाता है, तो शायद ये सीरियल किलर लड़की भी हो सकती है। इसके बारे में जब कैथी ने अपने कोवर्कर के साथ बात की तो सबको लगता है कि थ्योरी बहुत ही गलत है। रात में हम डोमिनिक को फिर से देखते हैं। उसने लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। वो अपनी इवनिंग एंजॉय कर रहा था और उसे मिलने के लिए मैरी आ गई। मैरी उसे कहती है हमारा सेशन अधूरा रह गया था, अगर तुमने ड्रेसअप किया है तो मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे डोमिनिक के बारे में सब कुछ पता था। वो फिर से अपने स्टेप फादर के बारे में उसे बता रही थी। वो कहती है हमारे बीच जो भी हो रहा था ये बहुत ही गलत था, पर मैं इसे एंजॉय करने लग गई थी, इस वजह से वो बहुत ही गिल्टी महसूस करती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि और एक मर्डर हो चुका था। जब कैथी वहाँ पर पहुंची ये मर्डर विकी का था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, रोने लग गए।
उसके कोवर्कर यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसमें से एक कोवर्कर ने कहा कि बहुत ही अजीब थी, अच्छा हुआ इसकी डेथ हो गई। इस पर कैथी उसे बहुत मार दिया। जिस जगह पर विकी का मर्डर हुआ था ये किसी और की थी। उस लेडी से पूछा जाता है, तुम विकी को जानती कैसे थी? उसने उनके ग्रुप के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उसे पूछते हैं कि विकी के साथ तुम्हें कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस आया था। वो लेडी कहती है, एक बार विकी मुझे अजीब से प्लेस पर लेकर गई थी। विकी जो उसके साथ करने वाली थी उसे अजीब लगा, तो इस वजह से वो निकल गई। अब जो एड्रेस उस लेडी ने उन्हें दिया था, इस जगह पर कैथी पहुंच जाती है। एड्रेस एक जिम ट्रेनर का था, जहां पर जो भी विक्टिम्स है ये तीनों गई हुई थी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैथी वहां पर पहुंच गए। वो ट्रेनर उसे अंदर नहीं आने दे रही थी, पर कैथी कहती है, अगर मैंने वारंट लाया तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। कैथी जब उससे पूछताछ करने लग गए, तभी एक आदमी इन पर गोलियां चलाता है। कैथी तो इससे बच गई थी, पर कैथी के पार्टनर को एक गोली लग गई। कैथी जल्दी से उस आदमी का पीछा करती है, उसे गोली मारकर थोड़ा सा जख्मी कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आदमी हॉस्पिटल में था। उसने गिल रेनॉल्ड्स के बारे में कन्फेस किया था। वो कहता है, रेनॉल्ड्स ने अपनी वाइफ को मारने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। ये सारी चीज़ें उसने रिकॉर्ड कर ली थी। अभी भी दूसरी लेडीज के मर्डर के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था। वो आदमी जिस घर में था, उस घर में जाकर कैथी ने फिर इन्वेस्टिगेशन की। वहाँ पर बेसमेंट में अलग अलग चीज़ें थी, कैमरा के लिए स्टैंड्स वगैरह थे। यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। इसके पैरेलल में हम देखते हैं कि डोमिनिक मैरी के साथ था। डोमिनिक मैरी को कहता है, बचपन में तुम्हारे और तुम्हारे स्टेप फादर के बीच में जो भी हुआ, इस वजह से तुम्हारे मदर के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप खराब हो गई थी। इसकी गिल्ट तुम अभी भी महसूस करती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उसे वहाँ पर एक टेप मिली। इस टेप में विकी, मैरी और डोमिनिक ये तीनों इंटीमेट हो रहे थे, और इसी टेप में कैथी ने उसके एक कोवर्कर को भी नोटिस किया, जिसने विकी के बारे में घटिया चीज़ें बोली हुई थी। कैथी वे जाकर अपने कोवर्कर से बात करते, कहती है, तुम्हें इन सब की सज़ा मिलेगी। कोवर्कर ने कहा कि मैं सिर्फ टेप करता था, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये सब अरेंज डोमिनिक ही करवाता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैरी और डोमिनिक ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। मैरी फिर से अपनी बचपन की कहानी उसे सुनाती है, कहती है, एक दिन मैं और मेरे स्टेप फादर हम दोनों इंटीमेट हो रहे थे। मैंने मेरी मदर की ऊपर आने की आवाज़ सुनी, उसने हम दोनों को देख लिया और फिर से वो लिविंग रूम में चली गई। तब उसे पता चला था कि उसकी मदर ने उसका सौदा किया है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। वो आज तक इस बात का बदला लेना चाहती है, और इसी वजह से सबको वही मार रही थी। ये कन्फेशन करने के बाद वो डोमिनिक को भी मार डालती है। बचपन के ड्रामा की वजह से वो एक सीरियल किलर बन गई थी। कैथी को डोमिनिक के बारे में पता था, तो रात में उसके पास वो पहुँच के तो डायरेक्टली उसकी डेड बॉडी देखती है। घर में डोमिनिक का डॉग था, जो कैथी पर हमला कर देता है। कैथी ने उससे लड़कर बाहर बंद कर दिया। तभी वहां पर मैरी आ गई। मैरी के हाथ में गन थी। मैरी ने कैथी पर गोली चलाई। वो उसके पास आकर बैठ जाती है, उसे मारने वाली थी, तभी कैथी ने चाकू लेकर मैरी को मार डाला। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, कैथी विकी के घर पर आई हुई थी। विकी ने कैथी से एक बार कहा था कि बचपन में उसे हमेशा घर में अब्यूज किया जाता था। विकी ने कैथी को यह भी कहा था कि अपनी छोटी सिस्टर को अपनी जगह पर वो छोड़कर वहां से निकल आई थी, इस वजह से वो गिल्टी महसूस करती थी। कैथी अब विकी की सिस्टर को बचाने के लिए एक सोशल वर्कर के साथ उसके घर पर पहुंच गई। विकी की सिस्टर को कुछ क्वेश्चन पूछे गए और उसे उस घर से बचा लिया गया। विकी की सिस्टर को भी घर में अब्यूज किया जा रहा था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती।